सेक्स के लिए शादी नहीं की जाती है, सृष्टि निर्माण के लिए शादी की जाती है। कौन सा सृष्टि निर्माण होता है आज? आप ब्याह करिएगा, सृष्टि निर्माण कीजिएगा, हम ब्याह करेंगे, सृष्टि निर्माण कहे। अगला जनरेशन कैसे चलेगा आपका जेनेटिक, अगला गुण आपका, आप कहाँ से आए हैं इस चीज को सोचे हैं? तो मान लीजिए कि कोई लड़का है, राइट टू प्राइवेसी एक्ट हमारे यहाँ है, और लड़का को लड़का पसंद आ गया, तो उसको आप नहीं ब्याह करने दीजिएगा? आपको लड़का से प्रेम हो जाएगा, शादी करने के लिए तैयार रहिएगा? कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए? प्रेम नहीं हो सकता लड़का लड़का में, बहुत हो रहा है भाई। दोस्ती हो सकता है, प्रेम कैसे हो जाएगा? लड़का लड़का में बच्चा पैदा होगा, मतलब बच्चा पैदा करना जरूरी है, इसी पॉपुलेशन बढ़ल है, खाली बच्चे पैदा ला ब्याह होता है और बढ़ाना है। उन दोनों का आपस में प्रेम है, भाईचारा है, मोहब्बत है, करना चाहता है लड़का लड़का शादी, क्या आपत्ति आपको? कोई आपत्ति नहीं, कर ले, उसको मना कौन करता है? लड़का लड़का प्यार होगा? होता है कि होता है? होता है ना, होता है, कोई गलती नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सब सही है। लड़की लड़की में भी होता है? होता है कि कोई गलती नहीं? नहीं कोई गलती नहीं। लड़की लड़की साथ में, मतलब शादी करने के लिए लड़की लड़की में होना चाहिए चाची? लड़की लड़की में शादी होता है? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप लोग का क्या राय, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शादी कैसे होगा लड़की लड़की में? बोले हमको पसंद है, हम लड़की से शादी करेंगे, ये वो हो चुका पता ना है, हम ठीक है ना? हाँ, जिंदगी बिताना है तो जिसे मन मिलता है उसे करता है शादी। यह हुआ बात, लड़की लड़की एक दूसरों को प्रेम कर रही है, शादी करना चाहिए? ये तो अप्राकृतिक। कैसे? आप प्रेम एक शादी नहीं होती, ठीक है? और सृष्टि के निर्माण के लिए दो लिंग का होना जरूरी है, ठीक है? आप कह रहे हैं एडेप्ट करना, तो किसी को बच्चा को उठा के लेना, ये शारीरिक संबंध से बच्चा नहीं हुआ, तो प्राकृतिक व्यवधान में एक सबसे बड़ी बाधा है। वेद पुराण में भी है अर्धनारीश्वर, है ना, भगवान का तो कहाँ हूँ, वेद पुराण में तो है। आखिर शादी करेगा तो उसका जनरेशन होगा कैसे? जनरेशन कैसे होगा ये सवाल है। वो कह रहे हैं कि हम एडॉप्ट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है कि समलैंगिकता, यानी समलैंगिकता पे कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यानी एक समान के लोग अगर आपस में प्रेम करते हैं, चाहे वो लड़का लड़का हो या लड़का लड़की हो या लड़की लड़की हो, ऐसा ये आंकड़ा 2015 में आंकड़ा 18% पूरे भारत में था कि लोग जो है वो समलैंगिकता, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो समान लिंग में प्यार मोहब्बत और शादी कर रहे हैं। 2019 आते आते ये मामला 44% पे पहुंच गया। लेकिन आम लोग जिनको शायद समलैंगिकता के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, क्या वो तैयार है, क्या पटना तैयार है, क्या बिहार तैयार है एक समान में शादी करने के लिए कि नहीं? आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, समलैंगिकता समझते हैं आप? लड़का और लड़का में शादी होना चाहिए? तो प्राकृतिक के विरुद्ध है। प्राकृतिक के विरुद्ध है, तो कई वेद पुराण में भी है अर्धनारीश्वर, है ना, भगवान का, तो कहाँ हूँ, वेद पुराण में तो है। आखिर शादी करेगा तो उसका जनरेशन होगा कैसे? जनरेशन कैसे होगा ये सवाल है। वो कह रहे हैं कि हम एडॉप्ट कर लेंगे। यदि ऐसा ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लड़का में शादी होना चाहिए? यदि संभव है तो हो सकता है, होना चाहिए। चलिए चाचा, क्या नाम हुआ? भूषण कुमार। भूषण जी, लड़की लड़की एक दूसरों को प्रेम कर रही है, शादी करना चाहिए? ये तो अप्राकृतिक। कैसे? आप प्रेम एक शादी नहीं होती, ठीक है? और सृष्टि के निर्माण के लिए दो लिंग का होना जरूरी है, ठीक है? आप कह रहे हैं एडेप्ट करना, तो किसी को बच्चा को उठा के लेना, ये शारीरिक संबंध से बच्चा नहीं हुआ, तो प्राकृतिक व्यवधान में एक सबसे बड़ी बाधा है ये शादी होना। तो जरूरी है कि शादी करेंगे तो सेक्स करना ही है? सेक्स के लिए शादी नहीं की जाती है, सृष्टि निर्माण के लिए शादी की जाती है। कौन सा सृष्टि निर्माण होता है आज? आप ब्याह करिएगा, सृष्टि निर्माण कीजिएगा, हम ब्याह करेंगे, सृष्टि निर्माण कहे। अगला जनरेशन कैसे चलेगा आपका जेनेटिक, अगला गुण आपका, आप कहाँ से आए हैं इस चीज को सोचे हैं? तो मान लीजिए कि कोई लड़का है, राइट टू प्राइवेसी एक्ट हमारे यहाँ है, और लड़का को लड़का पसंद आ गया, तो उसको आप नहीं ब्याह करने दीजिएगा? ब्याह नहीं करने, दूसरी संबंध है, लॉ से एक नेचुरलिटी क्वालिटी नहीं आएगी। अब हाइब्रिड प्लांट तैयार कर लीजिए या नहीं हो पाएगा? एक चीज चीज को लेके चलिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपने बेच डालिएगा। रूल में तो आप फादर को मारिएगा, वो आ जाइएगा थाना में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है सर, कर्नाटका हाई कोर्ट, देखिए लॉ से और नेचुरलिटी से बहुत बड़ा दूरी बना के चलिए। हाँ।
लॉ है, लॉ को मानना। वो जो लोग है ना वो कह रहे हैं हम प्यार करते हैं, हम कर रहे हैं, कौन है हमारे जीवन में इंटरफेयर करने वाला? आप कौन होते हैं पूछ रहा है वो मेरा जीवन हम पूछो करें। देख ली कानूनी हक में वो पूछ रहा है मेरा, वो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है दूसरी बात है, लेकिन जो आप कहते हैं कि मेरे जैसे संतान की उत्पत्ति हो वैसे उत्पत्ति हो सकती है, वो कह रहे हैं अडॉप्ट कर लेंगे हम। अडॉप्ट करने की प्रथा मेरे इंडिया में तो थी नहीं, एक मिनट के लिए ये अडॉप्ट करने की प्रथा सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट करा, सेंट्रल अडॉप्शन सेंटर एजेंसी निकाली करा, वो कारा एडप्शन एजेंसी निकाली कि जिसको बच्चा नहीं होता वो एडप्ट कर रहा है। आप हमको शादी किए ही नहीं, अभिन्न लिंग से साथ बिताए ही नहीं, कि लिंग और लिंग में प्यार हो रहा है हमको, दूसरा को क्या दिक्कत? मेरा जीवन, हम लड़के से प्यार करते हैं। कानून में कहता है सुसाइड करने जाएंगे तो पुलिस पकड़ के अंदर करेगी, लेकिन इसमें कोई अंदर कोई एक्ट नहीं। हाँ, वहाँ पर है जीने की राइट, जीने के हाँ जिंदगी हाँ, जो जीवन जीने की राइट में हम दखल नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात है। चलिए चलिए, ए भैया कहाँ है ना, कौन कौन गुटका? बाहुबली की रजनीगंधा पान पराग। आपको लड़का से प्रेम हो जाएगा है, शादी करने के लिए तैयार रहिएगा। कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए? प्रेम नहीं हो सकता लड़का लड़का में, बहुत हो रहा है भाई। दोस्ती हो सकता है, प्रेम कैसे हो जाए? प्रेम नहीं होगा लड़का लड़का में, क्या बात करते हैं। कहीं आकर आ गया भारत सरकार का, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल गया, पता है कि नहीं आपको? ठीक है, आपको प्यार नहीं होगा लड़का से? लड़का से दोस्ती हो जाएगी, प्यार होता है। प्यार हो गया तब कैसे हो सकता है? बहुत सारे आदमी होते हैं जिनको प्यार हो जाता है। अब से भी प्यार बहुत तरह के होता है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, एकदम शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम नहीं, नहीं कीजिएगा वैसा तरीके होता है। कोई दोस्त यार आपका कर लिया तब? करने वाला के दुनिया में हर एक किस्म का आदमी है, उससे हमको क्या लेना देना? अपना नाम तो बंद कहाँ है, सब बोलता है। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। और मोदी जी समलैंगिक, सुबोध जी समलैंगिकता समझते हैं? हम नहीं समझते हैं, पहले नहीं समझते। एक समान लिंग में प्रेम होना, प्यार करना, घर बसाना, सही बात है गलत बात है? गलत बात है। कैसे कैसे नहीं गलत बात है, बताइए हमको क्या पता? आप पूछ रहे हैं तो आप ही बताइए। आप बता रहे हैं गलत, हम थोड़ी बता रहे हैं गलत, आप बताइए गलत के कारण। लड़का लड़का में बच्चा पैदा होगा, मतलब बच्चा पैदा करना जरूरी है, इसी पॉपुलेशन बढ़ल है। खाली बच्चे पैदा लिया होता और बढ़ाना है। उन दोनों का आपस में प्रेम है, भाईचारा है, मोहब्बत है, करना चाहता है लड़का लड़का शादी, क्या आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति नहीं, कर ले, उसको मना कौन करता है? आपको हो गया तब? हमको होवे नहीं करेगा, हो जाएगा कैसे? मान लीजिए आप बाइसेक्सुअल हो गए, लड़का लड़की दोनों में रुचि हो गया तब? कोई रुचि नहीं होगा, नहीं रुचि होगा लड़की में? लड़की में होगा कि नहीं होगा समय के अनुसार देखा जाएगा। ब्याह हो गया कि कुमारे हैं? अभी तो कुमारे हैं। कुमारे हैं, मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड है? नहीं। प्रेमिका है? नहीं। तो 14 तारीख आने वाला है, अपना तैयारी शुरुआत कीजिए। ठीक है ठीक है। अरे चाचा ए, 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 लड़का लड़का प्यार होगा होता है कि होता है? होता है ना? होता है, कोई गलती नहीं ना? नहीं, बिल्कुल सब सही है। लड़की लड़की में भी होता है? होता है कि कोई गलती नहीं? नहीं, कोई गलती बहुत नहीं। अच्छा आदमी है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मरगूब आलम। मरगूब जी हाँ, लड़का लड़का में प्यार होना कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, अपना जीवन है, बस बस बस, और क्या, बस कीजिए। हाँ, कीजिए, अपना जीवन दूसरा लोग तय करेगा जी? नहीं नहीं, तब अपना जीवन अपने तय करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो लड़का लड़का में आप सहमत है? बिल्कुल सहमत। लड़की लड़की में भी सहमत? दोनों में सहमत, दोनों में सहमत, बस बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ भैया, होना चाहिए क्या समलैंगिकता? हाँ, एक समान में प्रेम चल सकता है, चल सकता है। हाँ, कोई आपत्ति नहीं आप लोग? कोई आपत्ति नहीं, प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं है? प्रकृति के नियम के खिलाफ है, लेकिन आप क्या करिएगा, सब कुछ बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो चलने दीजिए डिजिटल, चलने दीजिए। हाँ, आपको भी कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है, जो जहाँ जा रहा है चलने दीजिए। लड़का लड़का में प्रेम चलते रहना चाहिए, गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। महिलाओं से इस पर सवाल पूछना बहुत बड़ा बोझ है, कोशिश करेंगे हो सके मारने भी लगे, लेकिन क्या करे, सवाल हमारा काम है। नहीं, अरे ये देखिए, लड़की से भी सवाल क्या नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन लड़की लोग से महिलाओं से ब्याह। आंटी आंटी आंटी, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, एक मिनट खाली लेंगे आपका, ठीक है? अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, केस में कहा जा रहा है कि अगर लड़की और लड़की साथ में रहना चाहते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें आपका क्या राय है?
साथ रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम उनसे जीवन बिताना चाहते हैं उन्हीं के साथ। किनके साथ? लड़की लड़की साथ में, मतलब शादी करने के लिए लड़की लड़की में होना चाहिए चाची। लड़की लड़की में शादी होता है? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप लोग का क्या राय, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, चाची का राय है नहीं होना चाहिए। उधर और भी जो है लड़कियां हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। मैडम आप लोग का 2 मिनट लेंगे, एक सवाल आपका करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि लड़की और लड़की अगर साथ में रहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर आप लोग का क्या राय है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैडम आपका इतना में हमें लोग मिले थे आपको। हाँ, लड़की से आप सवाल पूछ रहे हैं मैडम, आप लोग नहीं बोलना चाहती है? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप मैडम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए ना। हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। चलिए, कुछ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं बोलना चाहती, कोई फोर्स भी नहीं है। यहाँ चाची लोग बैठल है, कहाँ बतिया बहू जी, कहाँ बतिया बहू, कहाँ? वो कानून चलित है समलैंगिक कानून कि लड़की या लड़की जो है ना साथ में ब्याह कर सकती है, केस चल रहा है। गलत है वो, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मजाक मत लीजिए। गलत है कि शादी कैसे होगा लड़की लड़की में? बोले हमको पसंद है, हम लड़की से शादी करेंगे, कि वो हो चुका पता ना है, हम ठीक है ना। हाँ, जिंदगी बिताना है तो जिसे मन मिलता है उसे करता है शादी। यह हुआ बाहर, ताली बजाइए सब। हाय हाय जी, जिससे जीवन मिलता है उससे शादी करना चाहिए। अब मान ला कि लड़के से ब्याह हो लिया, खुश ना रख ले तो का बेकार है। तो लड़की लड़की में चाहे लड़का लड़का में प्रेम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, केकड़ा से बतिया बहू जी, हाय जी, हाय जी, बाग जी, जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।